हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज है 30 तारीख और हमें जाना है अपने क्लिनिक पे। तो मैं आ रखी हूँ अपने घर पे और मैं यहीं से अपने क्लिनिक पे जाऊँगी, मम्मी उधर से आएंगी। तो अभी गांव में सबसे मिल रहे हैं। अब गांव आ जाते तो जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है घर पर, इधर इतना अच्छा मन लग जाता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता जाने का। तो गाइस, ये है मेरे गाँव का घर, ये इधर पूरा घर है हमारा, उधर पूरा फार्म हाउस बना रखा है। अभी हम पहुंच गए थे क्लिनिक और मैं तो आज अपने घर से ही आई हूँ क्लिनिक पे डायरेक्ट, मम्मी तो उधर से आई हैं। तो अभी मम्मी देख रही हैं पेशेंट, उसके बाद अभी तो शाम तक, आज तो हम यहीं पे रहेंगे, मेरे को छोड़ने पापा जी हो रहे हैं तो वो भी जाएंगे। अभी हो रही है जाने की तैयारी। ये देखो सोनू भैया दवाइयाँ रख रहे हैं, अंकल भी कुछ कर रहे हैं। पता नहीं मेरी आँखों में क्या हो रखा है, नींद पूरी नहीं हुई है, पता नहीं क्या ही, नींद भी पूरी नहीं हुई है मेरी एक तो, और पता नहीं आँखों में क्या हो रखा है कि आँखें खुलती नहीं है बिल्कुल। हवा लगती है आँखों, हवा चलती है तो हवा लगती है और वो बिल्कुल आँखों में पानी सा आना शुरू हो जाता है। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, उसके बाद हमें बीच में भी 2-3 जगह रुकना है, काम है कुछ, उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। पहले तो काफ़ी जगह रुकेंगे, तो दिखाती हूँ आपको हम कहाँ रुकते हैं वो आगे वीडियो में। तो गाइस, इधर हम आ गए थे घर और घर आके मम्मी और पापा की कुछ बातें चल रही हैं, तो मैं रास्ते का मैंने शूट नहीं किया। या तो दीजिए रोटी भी कि मैं तू जा रही है तो पकड़ा से पता चल जाए, मां चाची खा जाएगी आज मगा तो पकड़ा दिया, जो पकड़ा दे सेवा पाई वो पकड़ानी पड़ेगी। मैं दो बच्चा है बेटे ना, हां मैं भी साथ दे आऊंगी। हां सू सेव काट के खवायो, अभी एक सेव ले दो, मैं सारा खा ले और ले आऊं मैं तो बढ़िया लग रहा है। किया वाली को ना हम दे दो, ये तो मैं सारा हम खा ले, हम खा ले मोटे है पर खा ले तो हम सासू बहु चली जाओ ना दुकान पे उठे सेवा पानी फूल करे सर पंद्रह बार मेरी तुम बताओ जी दोनों चीजें कर लेते ना, फादर लड़ाई भी करते और सेवा भी करते। अरे बकरी वाला और मैं फन वाला दम काट दियो, बकरी पूरी दिख ना। हां बकरी अरे के थाना काट रहा हूं, हां कह दिया एकदम, अरे बोल दे कोने बकरी का। तो गाइस, मैं आ गई थी घर और मैंने रास्ते का कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि एकदम से मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और हमें बीच में 1-2 जगह रास्ते में भी रुकना पड़ गया था, इस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। घर आके मैंने चेंज भी कर लिया है, थोड़ी देर मम्मी और पापा के पास बैठ गई थी और अभी मैं करती हूँ अपने वीडियो को एंड। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर।